की आवश्यकता नहीं। कैसे करो, बुला के करो, ऐसे करो वैसे करो, नहीं होगा। तो टूल्स का निर्माण करना था शिक्षकों को, एक स्पेसिमेन भी दिया गया था। सभी शिक्षकों ने अपने अपने तरह से भाषा और गणित के लिए टूल्स का निर्माण किया। उस असेसमेंट के लिए हम लोगों ने जो गुरु गोष्ठी की, उसमें उन लोगों को डायरेक्शन दिया कि जल्द करना था तो बेहतर क्या। उसमें बहुत सारे डिस्कशन के बाद एक ओपिनियन आया कि हम इस तरह करें कि हम बच्चे को अक्षर से ले जाते हैं, पहले अक्षर, शब्द, अनुच्छेद, वाक्य और कहानियां, तो हम कहानी से लाते हैं, समझ रहे हैं, जो कहानी पढ़ लिया उसको छांट लिया, अलग ग्रुप बना दिया, जिसको अनुच्छेद पढ़ लाए उसको वहीं रोक दिया, अक्षर शब्द से उसको नहीं गुजरना पड़ा। तो हमने इस रूप में टूल्स का उपयोग किया। हम जोड़ से नहीं स्टार्ट, जो भाग बना लेगा वो जोड़ घटाओ तो बना ही लेगा, जो हासिल भाग बना लेगा वो हासिल का जोड़ क्यों नहीं बना लेगा, घटाओ क्यों नहीं बना लेगा, ये तो अंडरस्टैंडिंग है। तो इस रूप में हमने उस टूल्स का निर्माण करके और उसका असेसमेंट करने का काम फास्टेस्ट मेथड अपनाया और हमने ग्रुप बनाया ए बी सी डी। जो मेरा बच्चा था उस स्टैंडर्ड का था वो तो फट गया। आप ए बी सी ग्रुप में कि कौन सा शब्द के ग्रुप में है, कौन, अब इतने ग्रुप्स होंगे तो हम इसके लिए एक तो ऐसे ही विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। इस बात को हमने स्टेट लेवल के वर्कशॉप में रखा। हमारे यहाँ टोला सेवक और आदमी नगर स्वयं सेवक काम कर रहे हैं, जो दलित महादलित बच्चों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। 20 बच्चों को लाना है विद्यालय और तालीमी मरकज और टोला स्वयं सेवक का भी उपयोग किया जाए हमारे विद्यालय में है। हमने एक और मेथड लगाया कि जो मेरा मिडिल स्कूल है उसमें जो 6, 7, 8 को के बच्चों को मोटिवेट किए और उस तरह के बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किए। मेरे पास दो टीचर है भाई, हम चार ग्रुप हैं, हम कैसे उसके लिए एक्सरसाइज करें, उनका क्लास को बंद नहीं कर देना, उनका तो सिलेबस पूरा करना था, उनके लिए पढ़ाई तो जारी रखनी थी, उधर भी टीचर को रखना था। इसमें तालमेल बिठाने में काफी कठिनाई हुई लेकिन हमने उसमें सफलता पाई। हमने जिस लक्ष्य की प्राप्ति की थी वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हम सबको पता है कि सीतामढ़ी एक आकांक्षी जिला है, बिहार में कुल 13 आकांक्षी जिले हैं, उस 13 आकांक्षी जिले में से एक सीतामढ़ी एक आकांक्षी जिला है और इसमें हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, लाइवलीहुड और एग्रीकल्चर इन सारे विषयों पे काम हो रहा है कि कैसे हमारा देश भी, हमारा जिला भी इन चीज़ों के इंडिकेटर में आगे बढ़े। उसमें अभी यहाँ पर 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जो है वो यह है कि कैसे पिरामल फाउंडेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के सीआरसीसी के साथ कैसे कोचिंग स्किल पे काम कर सकता है और कैसे पिरामल फाउंडेशन के गांधी फेलोज और सीआरसीसी एक समन्वय के साथ हमारे शिक्षा जगत में जो नीति आयोग के जो इंडिकेटर हैं मुख्यतः उसमें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम और ट्रांजिशन रेट में कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारा जिला जो है सीतामढ़ी एक आकांक्षी जिले से आगे के पथ पर शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ सके। जी, यहाँ पे हम लोग जो पिरामल फाउंडेशन से बेसिकली सी आर सी लोग के साथ काम है, डीटीपी हम लोग डीटीपी प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं, तो सी आर सी से कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उनको कैसे एनाबल करना है, उनको कैसे मदद करना है, उनको कैसे एम्पथाइज करना है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप करते हैं। जी, हम लोग चेंजेस कम्प्लीटली ला तो नहीं सकते बट हम अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं थ्रू NVC नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप बिल्ड करके, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करके, उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करके। साथ ही साथ हमें ये भी जाना कि जो जापानीज फिलोसफर है उन्होंने बात ही बात कही है यहाँ पर, ये बात होती है कि एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया जाए जो सेफ स्पेस हो और वहाँ पर लर्निंग कम्युनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। हमने उसे कनेक्ट करने की कोशिश की थी अपने इंटरवेंशन को, जब हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की बात है जब, तो सीआरसीसी के लिए इस तरह का हम स्पेस क्रिएट कर पाए जहाँ वो अपने अनुभव से खुद के लिए और औरों के लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं।